कोलकाता में जो शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जिसने हर देश के हर आदमी की रूह को झंझोर कर रख दिया है। अब हम जयपुर के निवासियों से हम बात करते हैं, जयपुर में रहने वाले सभी लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे हमने जाना कि क्या उनकी राय है, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी इस पे राय है, क्या उनका इस पे कहना है, क्या उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और रेप के लिए अगर सख्त से सख्त कानून इस देश में बनाए गए तो क्या रेप कम हो पाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर रेप को लेकर कानून व्यवस्था यहाँ पे तगड़ी की जाए तो क्या रेप कम होंगे? हाँ, होंगे, अच्छे से होंगे। और मतलब जिस तरीके से कोलकाता में ये घटना हुई है, हम डॉक्टर को भगवान के समान मानते हैं और वो उनके साथ नहीं होना चाहिए, और आगे इस बार अब कभी भी हम नहीं देखना चाहते ये सारी चीजें। क्या कहेंगे आप जो उनके साथ जो ये बदसूली की गई है, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, ऐसे में वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ये तो एक सुसाइड था? नहीं था, सुसाइड नहीं था, किसी भी हरकत से सुसाइड नहीं हो सकता। एक डॉक्टर क्यों सुसाइड करेगा जब वो एक जिंदगी, इतनी सारी जिंदगियां बचाता है, उनको पता है कि मरना क्या होता है, और वो एक जीवन दा देते हैं, वो एक भगवान के समान है, हम तो उनको भगवान ही मानते हैं। और मैं जिस तरीके से मतलब अगर कुछ कर सके तो अभी उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और जनता से क्या, आप सरकार से क्या कहेंगे लड़कियों की सुरक्षा के लिए? सुरक्षा बहुत बहुत बढ़ानी चाहिए और पढ़ाना चाहिए लड़कियों को। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां लड़कों से काफी ज्यादा आगे है अभी भी, और लड़के 12th के अभी जितने भी रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं सब लड़कियों का काफी ज्यादा ये हो गया है। पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, पर लड़कियां लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब हर मामले में इंटेलिजेंट है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा हर लड़की टॉप पे रहे, लड़का भी टॉप पे रहे पर लड़की भी बहुत पढ़ाई, क्योंकि एक जयपुर में लड़कियां सुरक्षित है, जयपुर में लड़कियां सुरक्षित है अभी इस कंडीशन दी। लेकिन यहाँ पे तो आए दिन केसेस होते रहे, ये केसेस होते हैं, लेकिन कई इलाकों में अभी भी अशिक्षा है, मतलब अशिक्षा है, पढ़े लिखे लोग भाग नहीं है, क्योंकि ये झुग्गी बस्ती में जो भी रहते हैं उनके मतलब शिक्षा पहुंच नहीं पाई है। जब ये शिक्षा पूरी समाज तक पहुंच जाएगी, पूरे देश तक पहुंच जाएगी, तो मतलब ये रेप कम हो जाएंगे। और आजकल लड़कों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, लड़कों को एजुकेशन इस बार जैसे लड़कियों को एजुकेशन देते हैं कि कराटे वगैरह सीखो, ऐसे लड़कों को भी देनी चाहिए कि अपनी माँ की अपनी बहन की रेस्पेक्ट करें। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिनगरी न्यूज, मैं आप सभी के साथ मनोल। देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई उसके बारे में आज सबको पता है, एक ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है, एक ऐसी घटना जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, वो हमारी रूह को झंझोर के रख देती है। आज आजादी का दिवस है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है, क्या महिलाएं आज भी इस देश में आज़ादी से घूम सकती हैं? क्या वो आज़ादी से रह सकती हैं? क्या उन्हें आज़ादी से अपने उनके वस्त्र पहनने का, उनके घूमने का, उनके आगे बढ़ने का उन्हें हक है? ये जो सवाल हैं कहीं महिलाओं के मन में ये होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इतना समय क्यों लग रहा है? सब कुछ सामने ही है आज, तो क्यों इस पे एक्शन लेने में इतना वक्त किया जा रहा है? क्यों इसे आत्महत्या बताया जा रहा है? क्या ये एक आत्महत्या है या एक ये मर्डर है? इसी के लिए हम बात करने आए हैं आज जयपुर की आयुर्वेदा डॉक्टर डॉक्टर आशीष शर्मा से। हम उनके जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पे उनके क्या विचार हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। जो कोलकाता में अभी शर्मसार कर देता है इंसानियत को, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए तो बस यही है कि आज मतलब आज आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ाद महसूस नहीं हो रहा, आज़ादी की कोई खुशी नहीं है कि आज जो हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन को भी अगर छोड़ के तो इंसानियत के नाते भी देखें तो क्यों एक लड़की के ऊपर ही हमेशा सवाल उठाए जाते हैं? क्यों भाई लड़कों के ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता? अभी जो प्रिंसिपल जो हैं उस कॉलेज के, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई सुसाइड थी, या फिर उस रात को इतनी रात को सेमिनार हॉल में कर क्या रही थी। भाई क्यों? अगर वहीं पे उसी जगह पे कोई और मेल स्टाफ वहाँ पे जाता तो क्या वो यही चीज़ पूछते कि उस टाइम पे वो सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे? तो वही वाली चीज़ है कि हम लोगों को आज ये सोचना पड़ेगा कि जब हम लोग सब सिर्फ लड़कियों के ऊपर ध्यान रखो, लड़कियों के ऊपर नज़र रखो कि वो कहाँ जा रही है, किस वक्त जा रही है, क्यों जा रही है, वो सब करने की बजाय अगर हम लड़कों पे ध्यान देना शुरू कर दें, उनको बार बार फोन करके उनके माँ बाप पूछें कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये दुर्घटनाएं
कम हो जाए। खत्म तो तभी होगी जब इंसान खुद से अपने दिल से ही चाहेगा कि हमें कुछ गलत नहीं करना। और क्या गलती थी उस डॉक्टर की, जब हम लोग यहाँ दिन रात लगे रहते हैं अपने काम में, अपने घर परिवार को छोड़ के, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ को छोड़ के, कि भाई कोई पेशेंट को हम ठीक कर दें, उस काम में हम लगे हुए हैं, और उसके बाद भी दुनिया की तरफ से, देश की तरफ से, नागरिकों की तरफ से ये रिएक्शन आ रहे हैं कि भाई हम कर क्या रहे थे वहाँ पे। या फिर देर रात जो भी ये दुर्घटना हुई कि भाई उस हॉस्पिटल में हमला कर दिया, किस बात के लिए हमला किया गया भाई? अगर हम हमारी बात भी ना रखें आज, हमें अगर चोट लगे तो हम आ भी ना करें, ये किस बात की आज़ादी है? सरकारों को तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन हम एज अ नागरिक इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने बच्चों को, मैं ये सिर्फ नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कों को समझाया जाए, लड़कियों को भी समझाया जाए कि उनको अपनी सुरक्षा किस तरह करनी है, कहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे नहीं जाना, तो फिर ठीक है। अगर जब लड़कों को नहीं समझा सकते तो हमें हमारी सुरक्षा करनी आनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप लड़कों को भी समझाओ कि भाई जरूरी नहीं है कि एक लड़की है तो उसे अबला ही समझा जाए, या वो नारी है तो फिर वो अबला ही होगी। भाई नारी तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, जिनकी वजह से आज हम शायद यहाँ बैठे हैं, आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, तो उनके ऊपर तो किसी ने नहीं पूछा था कि वो क्यों जा रही है, क्या कर रही है। उन्होंने भी समाज के खिलाफ जाके देश की आज़ादी में अपना काम योगदान दिया था। तो जब हम हमारा हिस्सा दे रहे हैं सोसाइटी को एज अ डॉक्टर, आप एज अ जर्नलिस्ट, या फिर और भी सारी महिलाएं जो अपना काम कर रही है, गृहिणी भी, अगर गृहिणी घर में काम कर रही है तभी उनके हस्बैंड जाके बाहर कमा के आ पा रहे हैं, तो सब अपना अपना योगदान जब दे रहे हैं तो फिर सिर्फ आगे नारी पे ही क्यों सवाल उठता है इस बात का कि वो वहाँ क्या कर रही थी, कि वहाँ क्यों थी, क्या थी? वो तो जॉब कर रही थी, अपने अपना फर्ज निभा रही थी कि वो देर रात भी अपने मरीजों को देख रही थी, नहीं तो वो भी चले जाती घर, सो जाती आप लोगों की तरह। फिर तो यही बात है कि आज आज़ादी का क्या मतलब है वो नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग खुशी हैं लेकिन आज हम खुश नहीं, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक है कि एक डॉक्टर के साथ, एक चिकित्सक के साथ ये दुर्घटना हुई, बहुत दुखदायक है। और खुद में भी अब डर लगने लगा है कि हम भी काम पे आए कि नहीं आए, ये भी एक सवाल उठता जा रहा है कि हम भी, कोई पेशेंट अगर हमें फ़ोन करके बोले कि डॉक्टर साहब परेशानी है, तो हम उसके पास जाने की सोचें कि नहीं सोचें, कि उसको बचाना है कि नहीं बचाना है? क्योंकि पहले तो ये है कि हम जीवित रहेंगे तो हम बचा पाएंगे, यहाँ पे तो हमारी सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो भगवान के साथ ही एक ऐसी घटना हुई है, उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया है जो आज भी आंखें नम कर देती है। अब ऐसे में जो घटना ये हुई है, इसको लेके आगे जो भी महिलाएं हैं या जो उनके पेरेंट्स से लड़कियों के जो वर्क करती है, इस मेडिकल फील्ड में ही नहीं और फील्ड में भी करती है, तो उनके माँ बाप को और उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नो डाउट अभी इस पूरी दुर्घटना के बाद है कि बहुत माँ बाप हो सकते हैं कि बहुत लड़कियों का काम करना बंद करवा दें। मैं ये नहीं कह रही कि कम करेंगे या करेंगे, हो सकता है, ये बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सबको अपनी बेटी प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी है, कुछ हो सकता है कि खुद से ही छोड़ दें जॉब, क्योंकि ये तो अब बात हो गई, बहुत दुर्घटना हुई है तब जाके हमारे सामने आई है, बट हर रोज़ हर पल जॉब प्लेस पे हो, रास्ते में हो, कई लोगों के घर में हो, बहुत वायलेंस होता ही रहता है कहीं ना कहीं, मेंटल वायलेंस, मेंटल ट्रॉमा, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फिजिकल हो, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि यही एक तो समाज तो सुधरे, जो हो जाए तो वो बढ़िया बात, नहीं तो हमें एज अ फीमेल इस चीज़ से रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो इन बेसिकली क्या बोलूँगी, टेररिस्ट ही हैं ये, इन टेररिस्ट को यही लगेगा कि ठीक है भाई लड़की को रोकना है तो ये बिल्कुल सही तरीका है, पर हमें अब रुकना नहीं है, हमें और हिम्मत से इस चीज़ में डटे रहना है कि हम जो कर रहे हैं करेंगे, और बस यही है कि एक लड़की को खुद की सुरक्षा करना आना चाहिए, सामने वाले के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, एक बार हाथ उठाना तो है, चाहे हम उसको मार ना सकें, खुद को बचा ना सकें, वो आगे की बात है, सिचुएशन की बात है, बट हमें अब अबला नहीं बनना है, ये कायदे की बात है कि अब अबला नहीं बनना है हमें। ये वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो एक मर्डर नहीं, एक सुसाइड है, तो ये कहाँ से सुसाइड लग रहा है, इसके लिए आप क्या, आपके विचार हैं प्रिंसिपल के लिए, वहाँ की व्यवस्था के लिए? वहाँ पे कैमरा भी नहीं था उस वक्त, क्या आपको लगता है ये कुछ सोचा समझा या इसमें और भी कोई शामिल है? देखिए सोचा समझा का तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो अब CBI जांच होगी तो उससे पता चलेगा, बट रही बात प्रिंसिपल की, तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग डॉक्टर बन भी गए। मैं कायदे से उनके ऊपर उनकी डॉक्टर डिग्री पे क्वेश्चन उठाऊंगी, बिकॉज अगर वो एज अ ह्यूमन जब जिस हर रोज़ वो भी लगे रहते हैं, मना नहीं कर रही, वो भी लगे रहते हैं, वो भी सबकी जान बचा रहे हैं, प्रिंसिपल हैं तो और लोगों को पढ़ा रहे हैं कि भाई कैसे जान बचाई जाए एज अ डॉक्टर,
लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई सुसाइड था या कुछ था, तो भाई क्वेश्चन उठता है कि आर द प्लेस, आर द सीट, द पोजीशन गिवन टू द राइट पर्सन और नॉट। और शायद अभी उनको दूसरे कॉलेज में भी प्रिंसिपल बना दिया गया, ऐसा कुछ भी है, मैंने पढ़ा भी पेपर में। तो वही था कि क्या है, मतलब क्या आप दर्शाना क्या चाहते हो कि कोई भी अगर पुरुष है वो गलती करेगा, वो निकल के कहीं और अपने जीवन जी लेगा, लेकिन एक लड़की, उस एक लड़की के कारण जो पूरे दुनिया भर में, देश भर के अंदर जो इतनी लड़कियों में दहशत भरी है, उसका कौन जिम्मेदार है? जिसका कोई दोष नहीं था, और दोष हो भी तो भी वो काम अपने कानून का है करना। ये भी नहीं कह सकते कि कोई दोषी लड़की है, फिर आगे जाके कुछ भगवान ना करे लेकिन कुछ हुआ तो उसके अंदर फिर लोग वापस बोलना लग जाएंगे लड़की वहां थी, लड़की ने ये किया था, लड़की हिंट्स दिए थे और व्हाटएवर। बट पॉइंट इज, कुछ भी कर रही हो लड़की अपनी तरफ से जो कर रही है, ठीक है वो गलत है मान लिया, लेकिन आपका हक थोड़ा ना बन जाता है कि उसको मार दो। दैट इज माई पॉइंट। अगर लड़की ने आपको हिंट भी दिया है, अगर लड़की आपके साथ राजी होके कुछ कर रही, वो चीज अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसे इतना बुरा तरह से आप उसे मारे। एक जीव, जीव को तो जीव की तरह देखो ना। आज कुत्ते को मारते हैं, चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की के ऊपर कोई क्वेश्चन करता है तो सब लोग सिर्फ देख देख के चले जाते हैं। उनके चश्मे का कांच तोड़ दिया गया, उनकी आंखों में से खून आया, बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया गया। हम सब इमेजिन ही कर सकते हैं, और इमेजिन करके भी आज रोंगटे ही खड़े होते हैं। लेकिन ये बहुत दर्दनाक है, मतलब आज की आज़ादी आज़ादी नहीं है। और अभी तो समाज, लोग कहते हैं कि समाज और बिगड़ेगा, कुछ आज लड़की के साथ हुआ कल किसी पुरुष के साथ ऐसा होगा, फिर क्या करेगी समाज? फिर भी बोलेगी उसको कि सुसाइड था, कि वहाँ क्या कर रहा था, क्या नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, अभी कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लड़के के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इसमें भी क्या यही कहेंगे लोग कि लड़का हिंट दे रहा था, लड़के ने छोटे कपड़े पहने थे? अब कपड़ों पे कोई क्या ही कह सकता है, कितने सारे केसेस हैं हमारे पास जिसके अंदर लड़कियों की तरफ से कुछ भी नहीं था। छोटी बच्ची का क्या कसूर होता है? 3 महीने की बच्ची का क्या कसूर था? वो तो अभी रोने से ही नहीं उभरे, वो तो अभी दूध पीना ही ठीक, दूध पी है, सो जाते हैं, यही काम है उस बच्ची के साथ। तो ये सारी जो चीजें हैं समाज में जो हो रहा है आज, इसका जिम्मेदार आप किस चीज को मानती है? इसकी जिम्मेदारी समाज की है, क्योंकि हर वक्त, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हर वक्त सिर्फ लड़की को ही बोला जाता है। जैसे हम बच्चे थे तब बेटा इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, भाई था भाई, भाई चला जाएगा, क्यों भाई, उसके साथ हम भी तो जा सकते हैं। हर वक्त सिर्फ आप बेसिकली ये चीज समझो कि आप अगर लड़की को धन मानते हैं, हम लोग लक्ष्मी का रूप मानते हैं एक लड़की को, तो आप अगर लक्ष्मी पे ध्यान रखोगे और चोरों पे ध्यान नहीं रखोगे, मेरा तो ये कहना है कि बेहतर है कि चोरों पे ध्यान रखना शुरू कर दो, उनका मूवमेंट आपको अपना पता चलेगा कि कौन सी लक्ष्मी की तरफ जा रहा है। तो समाज की गलती है, माँ बापों के संस्कारों की, मैं हर माँ बाप की नहीं बोल रही, माँ बाप अपनी तरफ से पूरे संस्कार देते हैं, लेकिन उनके संस्कार का प्रॉपरली यूज हो रहा है, प्रॉपरली उनका बेटा सही चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस चीज का देखना जरूरी है। क्योंकि आप जिस तरह अपनी बेटियों पे हर वक्त फोन कॉल से, वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सेम चीज आप अपने बेटों के साथ क्यों नहीं करते? उनसे भी कनेक्टेड रहिए, उनको भी कभी भी रैंडमली कभी भी फोन करो, कभी भी वीडियो कॉल करो, वो चीजें क्यों नहीं होती हैं? तो वही है कि समाज को सिर्फ लड़की को लड़की, लड़की और लड़का में डिफ्रेंशिएट ना करके बच्चों की तरह कि दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल संस्कार दिए जाएं, दोनों को इक्वल एनवायरनमेंट दिया जाए, और लड़कों के अंदर ये भी ना डाला जाए कि भाई लड़की अबला है या कमजोर है या कुछ है। क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए? इंसाफ के लिए तो यही है कि सरकार को और CBI जो भी हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स वगैरह हैं, वो फेयर तरीके से इस चीज़ को करें, और जो जो हरकतें अब जैसे मॉब लिंचिंग हो गई या कुछ है, जो हमारे ऊपर वापस हमले हो रहे हैं, और वो सब पे रोक लगाई जाए उन चीज़ों को हो। और अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर वी एज अ फिजिशियन नीड टू थिंक कि भाई हमें ट्रीट करना है कि नहीं करना। फिर आप लोग बोलोगे कि हम एज अ डॉक्टर अपना ड्यूटी नहीं कर रहे, बट वो ये कि हमें जान ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो उन चीज़ों पे काम हो, और थोड़ा सरकार भी चीज़ों पे ध्यान दे, नो डाउट वो दे ही रहे हैं, लेकिन जो बेसिक वही है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिनिस्टर्स पे हम लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, बट हम लोगों को नीचे भी देखना चाहिए कि अगर कोई रूल बन रहा है
तो वो नीचे प्रॉपरली फॉलो हो, क्योंकि कहीं ये तो है नहीं कि सिर्फ एक इंसान से सरकार चलती है, सरकार चलती है हमसे. वी आर द पीपल हु आर चूजिंग देम, वी आर द पीपल हु आर रनिंग देम. तो हमें एज अ सोसाइटी ही उस पर काम करना पड़ेगा. सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने कर्तव्य जो समाज में है उसको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कम हो सकती हैं. अदरवाइज वही है, हम बातें करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है. धन्यवाद. तो हमने डॉक्टर अर्चि शर्मा से उनके विचार जाने इस पे, जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है ये एक ऐसी घटना है. उनका कहना है कि प्रशासन से, CBI से, जो भी इस केस को हैंडल करे, सरकार से उनका कहना है कि इन्हें उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए. बने रहिए द नगरी न्यूज़ के साथ. नमस्कार.